एलेक्ट्रोमेटिक थ्योरी बुक हम यूज़ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रो डायनिक्स बाई जी जे की रिफत और ऑडिशन है थर्ड इस लेक्चर से हम चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे जो कि स्पेशल टेक्निक्स और स्पेसिफिकली टॉपिक डिस्कस करेंगे लेपलस इक्वेशन टॉपिक ये थोड़ा लेंथ ही है इसमें पहले हम लेप्लेस इक्वेजन वन डायमेंशन देखेंगे वन डायमेंशन में लेप्लेस इक्वेजन की प्रॉपर्टी देखेंगे फिर सेकेंड दो डायमेंशन में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज और फिर हम थर्ड डायमेंशन में एक एग्जाम्पल से लेपलस की इक्वेजन जो वन और टू डायमेंशन में उन्हें वेरीफाई करेंगे फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे यूनिकनेस स्यूरम्स और दो यूनिकनेस स्यूरम है एक फर्स्ट यूनिकनेस स्यूरम सेकंड यूनिकनेस स्यूरम एक पोटेंशियल्स के बारे में है दूसरा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो वहाँ डिस्कस करने के बाद हम वहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे तो लेपलस इक्वेशन मैं आपको याद करवा दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारा प्राइमरी टास्क है प्राइमरी गोल होता है आ, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना फॉर गिवन स्टेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास स्टेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने उन चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो ये हमारा गोल होता है तो कोलम ला को यूज़ करते हुए हमारे पास ये थी फार्मूला है जो अगर आपके पास रो गिवन हो एट पॉइंट आर प्राइम तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट आर एट आर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं लेकिन जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में देखा कि ये इंटीग्रल सिंपल केसेस में भी एवेलुएट करना काफ़ी मुश्किल काम है तो हमने अभी तो ज़्यादा पेचीदगी में नहीं गए लेकिन सिंपल केसेस में भी हमने इसकी डिफ़िकल्टी देख ली थी इसके बाद हमने गाजी लॉ पे आए और गाजी लॉ पे हमने देखा कि अगर आपके पास प्रॉब्लम सिमेट्रिक हैं तो इंटीगल को सॉल्व करना काफ़ी आसान रहता है तो ये भी एक तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का लेकिन गजीद लॉ वर्क करता है ऐसे नजर आती है लेकिन ऐसा नज़र आती है जब आपके पास प्रॉब्लम हाईली सिमेट्रिक हों इसके बाद ये वेक्टर प्रॉब्लम को हमने ट्रांसलेट किया पोटेंशियल प्रॉब्लम में कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक uh, फील्ड आपने फाइंड करने के पॉइंट पे तो पहले आप उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लें और आप पोटेंशियल का ले लेंग्रेडियंट नेगेटिव तो आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन इसमें भी वही डिफ़िकल्टी आपको नजर आ रही है कि ये भी इंटीग्रेशन इसकी करना इंटीग्रल कैलकुलेट करना एवेलुएट करना मुश्किल काम है और एक और डिफ़िकल्टी ये कि आपके पास अक्सर केसेस में रो आपको नहीं पता होती आप सिर्फ जो चीज़ आपको एक्यूरेटली पता होती है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है वो होता है चार्ज कि केस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज है ये हमें पता होता है लेकिन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बताना मुश्किल काम है और या फिर आप सही से बता सकते हैं कि कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल क्या है या चार्ज क्या है लेकिन डेंसिटी बताना ये जैसे मैंने बताया मुश्किल है तो फिर बेहतर है इस केस में फ्रूटफुल ये होता है कि आप ना सारी प्रॉब्लम को रिकॉस कर लें डिफरेंशियल फॉर्म में याद करें हमने डिफरेंशियल फॉर्म थी तो उसको इस तरह से लिखा है और डिफरेंशियल फॉर्म असल में क्या है इक्वेजन नंबर टू की इस टू इक्वेजन की डिफरेंशियल फॉर्म है हमारे पास पॉइसन इक्वेजन तो किसी पे रीजन में जहाँ पे चार्ज डेंसिटी है चार्जेस पड़े हुए हैं तो उस रीजन में अगर आपने पोटेंशियल फाइंड करना हो तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस बाउंड्री कंडीशन ये वाली इक्वेशन बन जाती है आपके पास पोटेंशियल की तो पॉइजन इक्वेशन साथ उसके साथ बाउंड्री कंडीशन ऐड कर लें तो आपके पास वो है इक्वल टू दिस इक्वेशन तो हम अगर इस इक्वेशन को जिसे पॉइजन इक्वेशन कहते हैं सॉल्व कर लें और जो सेटिसफाई करें सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन तो हमारे पास एग्जैक्टली exactly जो प्रॉब्लम है वो पोटेंशियल आपके पास आ जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसका आप ग्रेडेंड ले लें ले, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और अक्सर हमारी जो ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि आपके पास डेंसिटी नहीं है आ, एक पॉइंट पे जैसे इलेक्ट से कहीं और चार्जेस हैं यहाँ पे चार्ज पड़े हुए हैं ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है तो कहीं लाइन चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जिस रीजन में वो रीजन लेट से ये है और इस रीजन में कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ लेकिन इन चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे ज़रूर है तो यहाँ पे ये जो वर्क आपके पास इक्वन आएगी रीजन में वो होगी हमारे पास लेफ्ट इक्वेजन जिसमें चार्ज डेंसिटी इक्वल टू जीरो है हाँ ऐसा नहीं है कि पूरे स्पेस में पूरे यूनिवर्स में चार्जेस नहीं हैं तब तो आपके पास पोटेंशियल जगह पे जीरो होगा हाँ किसी रीजन में कहीं चार्जेस पड़े हुए हैं लेकिन हम जिस रीजन में इंटरेस्टेड हैं उसमें चार्जेस नहीं मौजूद और कार्टीन सिस्टम में आपके पास ऐसे होती है जिसमें यहाँ पे लिटर कुरेक्शन चाहिए जो ये है जेड का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के एस्पेक्ट से तो पोटेंशियल के डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल है पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड तो ये पार्शियल हैं पार्शियल डेरिवेटिव डेरीवेटिव आपको पता है कि एट अ टाइम एक की आपको वेरिएबल लेंगे एक्स वेरिएबल है और बाकी चीजों को ये कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा तो ये जो इक्वेजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हम लेप्लस इक्वन कहते हैं फिजिक्स में मैथमेटिक्स में फिजिक्स में आपके पास ग्रेविटेशन में भी आपको नज़र आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोसीटिजन में नज़र आ जाएगी आपके पास और आपके पास सोप इक्वेजन में भी ये आ, नज़र आएगी मैथमेटिक्स में पूरी एनालिटिकल फंक्शन थ्योरी सी के ऊपर बेस्ड है तो इनतहा अहम इक्वेजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक में और अगर आप ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या वो लेपलस इक्वेजन की स्टडी है तो ये भी गलत नहीं होगा लेपलस इक्वेजन अब हम डिसाइड डिस्कस uh, करेंगे लेपलस इक्वेजन इन वन डायमेंशन तो वन डायमेंशन में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज समझ होंगी और आप देखोगे कि इसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन भी एक्जिस्ट करता है तो अगर आपके पास पोटेंशियल है सिर्फ एक्स का वेरिएबल है और बाकी किसी चीज़ का वेरिएबल नहीं है तो बाकी डेरीवेटिव जो, जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे और हमारे पास जो पार्शल इक्वेजन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी और डेने इक्वेजन में सेकेंड ऑर्डर इसका आपको पता है कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसका आप दो मरतबा इंटीग्रेशन लें इंटीग्रेशन लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है आप आपको अगर गिवन कोई इनिशियल कंडीशन है दो पॉइंट्स पे अगर आपको वैल्यू मालूम है पोटेंशियल की तो आप ये दोनों कॉन्सटेंट्स ए कॉन्सटेंट एम जो स्लोप है और बी वाई इंटरसेप्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आप वही किसी पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर केसेस के लिए आप एम और बी की वैल्यू स्पेसिफाई करें आपके पास जो ना सोल्यूशन ये स्पेसिफिक सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा तो मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है आपके पास कि पोटेंशियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन फोर है पोटेंशियल की वैल्यू एक्स इजिकल टू फाइव टू ज़ीरो है तो ये दो जगह पे मेरे पास अगर वैल्यू स्पेसिफाइड है तो मैं uh, इसमें इस इक्वेजन में वैल्यू पुट करके जैसे मैंने ये वैल्यू पुट की है इस इक्वेजन में इस इक्वेजन में पहले मैंने x की वैल्यू वन पुट की और x की वैल्यू वन यहाँ एम के m के साथ वन आ गया ये वन हो गया प्लस b वैसे आ गया और पोटेंशियल जो कि x की वैल्यू वन पे था वो फोर है ये की वन है और दूसरा पोटेंशियल की वैल्यू एक्स इजिकल टू फाइव पे जीरो है तो यहाँ पे फाइव वैल्यू पुट की तो ये दो इक्वेजन बन गई टू इक्वेशंस टू अननोन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास आ जाएगी ये कॉन्स्टेंट्स तो इस तरह से हम गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्स के लिए एम बी के लिए एम uh, बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर गिवन इनिशियल कंडीशन हमारे पास अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू मालूम है तो हम इन कॉन्स्टेंट्स को आसानी से फिक्स कर सकते हैं और ये अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो आपके पास इस तरह से फंक्शन दिखाई देगा और आपके पास पोटेंशियल है एक्स प्लस फाइव इधर आपको एक फीचर्स आप नजर आएंगे वन डायमेंशन इक्वेशन में जो कि आप आगे भी इसको चीज को वेरीफाई करेंगे वो ये कि अगर आप दो पॉइंट स्पेस की वैल्यू लें लेट से आप लेते हैं वी इक्वल टू थ्री पे वैल्यू लेते हैं इक्वल टू थ्री और वीजिकल टू थ्री पे आपको ये इक्वेशन ये बता रही है कि इधर मारने थ्री पुट करेंगे और आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी टू और अब अगर आप अवैल्यूएट करें वीजिकल टू फोर पे और विजिकल टू फाइव पे एक विजिकल टू फोर पे और एक वीजिकल टू टू पे एक हमने बैकवर्ड इक्वेशन वैल्यू लेनी है और एक फॉरवर्ड तो ये ये है हमारे पास फॉरवर्ड तो यहाँ पे फोर पुट करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा प्लस वन और अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे टू तो यहाँ पे आपके पास आएगा थ्री तो अब ये देखें कि मैंने जो वैल्यू ली है एक फॉरवर्ड मूव किया थ्री से और एक मैंने वैल्यू ली है बैकवर्ड अगर आप यहाँ पे इसको देखना चाहें तो ये बिल्कुल आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये थी वीजिकल टू लेट से टू और ये था हमारे पास बी थ्री और इन दो पॉइंट्स में मैंने वैल्यू ली और अगर मैं इनकी एवरेज लेता हूँ एवरेज लूँ वन ओवर टू तो ये बनेगा वी की जगह पे है वन और प्लस ये थ्री फोर बन जाएगा और ये एग्जैक्टली exactly टू है एग्जैक्टली exactly टू और ये टू किया हमारे पास ये तो ये एग्जैक्टली exactly है बी थ्री के तो अगर आप इन दो पॉइंट्स की आप यहाँ लाइन से भी देख सकते हैं दो पॉइंट्स को ऐड करके आप इसकी एवरेज लें तो आपको ये सेंटर वाला ये पॉइंट मिलेगा तो लेप्ट की ये प्रॉपर्टी है ये सब सो ऑफ आपके अंदर एवरेज इंस्ट्रक्शंस हैं ये तो ये जर्नल है इस केस के इक्वेशन के लिए कि अगर आपने वी एक्स पे वैल्यू मालूम करने जैसे वी थ्री मैंने डी नोट किया है और आप को फंक्शन से उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे अगर आपको वैल्यू मालूम है तो आप उन दो पॉइंट्स की एवरेज लेके लेके जो एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और वो एक्स की वैल्यू होगी जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड पे शो किया था ये एक पहली ये प्रॉपर्टी है कि एवरेज इंस्ट्रक्शन है इसमें लेप्लस में दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई लोकल मिनिमा भी नहीं मैक्सिमा uh, नहीं है और ना कोई इसमें मैक्सिमा uh, नहीं है और ना कोई इसमें लोकल मिनिमा है जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ है आपके पास पोटेंशियल uh, uh, की एंड पॉइंट्स पे है जैसे किसी को देख लें अगर मेरे पास इस फंक्शन uh, में मैक्सिमा होता जो कि आपको यूं शोक हो रहा है कि ये लोकल मैक्सिमा है तो ये एवरेज इफेक्ट का एवरेज आपको नजर

ना कोई लोकल मैक्सिमा और ना कोई लोकल मिनिमा सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज अकर कर रही हैं इन एंड पॉइंट पे ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है दरम्यान में कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो ये थोड़ी रही डिस्कशन हमारी वन डायमेंशन के लिए अब अगर हम बात करें टू डायमेंशनल केस में तो टू डायमेंशन केस में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो एक्स और वाई का है अगर आप कार्टिजन की बात कर रहे हैं और इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन है वो मॉडर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बल्कि हमारे पास यहाँ पे पार्शल इक्वेशन है वो इसका कोई हमारे पास क्लोज फॉर्म सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है जिस तरह हमने विजिकल टू एम एक्स प्लस बी लिख लिया था इसका आप नहीं लिख सकोगे और जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास वो सिर्फ दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इसमें नहीं है जैसे जिसमें जैसे हमारे पास एम और बी मौजूद थे इसमें आपके पास इवन दो फाइनाइट uh, कॉन्सटेंट भी नहीं है तो दो क्या फाइनाइट कॉन्सटेंट भी नहीं मिलेंगे तो ये उसी पहली वाली सिचुएशन से काफी नॉन ट्रिवल और लेस uh, ऑबियस हमारे पास थिंग है और इसमें जो चीजें प्रॉपर्टीज इमर्ज होंगी फर्स्ट टाइम सिंगल डायमेंशन में तो आपको प्रॉपर्टी बाकी वाजी नजर आई थी एविजिंग इफेक्ट वाजी नजर आ रहा था और काफी चीजें ऑबियस नजर आ रही थी लेकिन यहाँ पे ये चीजें ऑबियस नहीं है एक कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी नहीं है दूसरा इसे क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं है और तीसरी हमारे पास यहाँ पे आपको सिर्फ दो आर्बिटरी कॉन्सेंट से काम नहीं चलेगा तो बेहतर ये है कि हम इसकी कोई ना एक एग्जाम्पल ले लें ताकि उसको डिस्कस किया कॉन्सेप्ट को समझाना आसान रहे जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मेरे पास लेट से कोई बॉक्स है और बॉक्स की जो मैंने बॉक्स को कट किया है ये मेरे पास कंप्लीट ये बॉक्स है और बॉक्स को ऊपर से यहाँ से ये कट किया मैंने ये कटिंग नजर आ रही है आपको ये कट किया और इसके ऊपर ना मैंने एक मेम्ब्रेन रबड़ की शीट जो है रबड़ की शीट सारी मैंने ये पूरी शीट इसके ऊपर प्लेस का वो चिपका दी है मैंने ठीक है स्टिच कर दी है या किस तरह इसको मैंने इसको चिपका दिया है तो ये आपके पास जो एक्स वाई किसी भी पॉइंट को पहुंचने के लिए जैसे कि ये है एक्स वाई पॉइंट आपके पास पर्टिकुलर ये पॉइंट इस पॉइंट पे जो इसकी हाइट होगी मैं नीचे प्लेन से इस मेम्ब्रेन की जो हाइट है से ये पॉइंट है यहाँ की हाइट ये पॉइंट है यहाँ की हाइट ये जो हाइट होगी ये सेटिस्फाई करेगी लेप्लस इक्वेशन को तो अगेन हमने किया ये है कि एक कार्टिन कार वो बॉक्स था हमारे पास कार्टन था उसको मैंने कट किया ये मैंने कट कर दिया इसको वो इसके ऊपर चिपका दिया मैंने एक रबर शीट ठीक और मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई एक प्लेन पे मूव हो उस पॉइंट पे आप ऊपर देखेंगे जितनी इसकी हाइट होगी फंक्शन की लेट से वो वी है एक्स वाई वी है तो ये सेटिस्फाई करेगी वी इक्वेशन जी एग्जैक्टली लेप्लस इक्वेशन और अगर आप आ, जैसे मैंने आपको बताया आप किसी भी क्वारन में मूव हो जो आपके पास बॉटम पे खड़े हो गए हाइट को देखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा लेप्टलस इक्वेशन और हाइट को मैंने कहा है यहाँ पे पोटेंशियल लेट से वी है और एक्स वाई है अच्छा अब ये जो आपके पास इसके सल्यूशन होते हैं लेपलस इक्वेशन के उसे हम कहते हैं हारमोनिक फंक्शन और हारमोनिक फंक्शन बहुत ही बोरिंग और आपके पास होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी जो वन के केस में थी और इसमें ना कोई लोकल मैक्सिमा हुआ है आपके पास और ना यहाँ पे आपको ये लोकल मिनिमा देंगे और जैसे अगर आप इस शीट पे कोई बॉल रखेंगे तो बॉल नीचे गिर जाएगी कहीं जाके उसका पॉकेट नहीं होगा ना कोई वैली होगी ना आपके पास हिल होगी ना जब कोई पॉकेट होगी जहाँ के जाके जहाँ जाके, जाके, जाके बॉल स्टेबल हो जाए तो आप यहाँ पे पिंग पाउ बॉल रखेंगे शीट के ऊपर वो नीचे गिर जाएगी तो अब देखेंगे कि जो दो प्रॉपर्टीज थी एक एवरेजिंग वाली वो यहाँ पे होल्ड करती नहीं करती जो वन डायमेंशन में करती थी और दूसरी हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मैंने अभी जैसे कमेंट किया कि आपके पास ना कोई हिल है ना वैली है वो कैसे इस चीज को सेटिस्फाई अगर आपके पास एवरेजिंग वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी तो एवरेजिंग मैं यूं ले रहा हूं मैंने मुझे चाहिए थी वैल्यू यहां पे इसके इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे वन डायमेंशनल केस में हमने देखा था कि एक पॉइंट के गिर्द अगर आपने पॉइंट ड्रा करो तो वो दो ही पॉइंट हो सकते हैं एक इधर और एक इधर ठीक है तो अगर आपने एवरेज लेना है तो एक पॉइंट पे सिर्फ वैल्यू लो और दूसरे पॉइंट पे वैल्यू लो इन दोनों को ऐड करो डिवाइड कर दो टू से तो आपके पास एवरेज आ गई लेकिन टू डायमेंशनल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है टू डायमेंशनल केस में एक पॉइंट के गिर्द आपके पास काफी सारे पॉइंट ड्रा हो सकते हैं जैसे कि ये ये पॉइंट है और इससे गिरद आपके पास काफी सारे पूरा सर्कल ही बन जाता है पॉइंट्स का तो अगर आपके पास अगर मिड में वैल्यू है और आपने इसकी एवरेज लेनी है वाले पॉइंट से इसके अराउंड जो पॉइंट्स हैं उनसे आपने इसकी एवरेज लेनी है तो फिर आपको पूरे सारे पॉइंट्स लेके वहां पे फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ेगी और उसकी एवरेज कर लेनी पड़ेगी ठीक तो इधर भी हम यही कर रहे हैं हमने हमें चाहिए थी इस पॉइंट पे वी एक्स मैं इसको वी एक्स वाई कह रहा हूँ ठीक है ये वी एक्स वाई चाहिए था मुझे मुझे जानना चाहता था यहाँ फंक्शन की हाइट क्या है तो अगर मुझे यहाँ पे इसके गिर जो पॉइंट्स हैं सर्कल में तो क्योंकि यहाँ पे इसके नेबरिंग ये पूरा सर्कल बना रहा है नीचे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मालूम है सारे वी की वैल्यू मालूम है पूरे सर्कल पे तो मैं इन सारे सर्कल के पॉइंट्स को ऐड करूंगा वो मैं इंटीग्रेशन से कर रहा हूँ और डिवाइड कर दूंगा इसके टोटल से पहले तो दो पॉइंट से तो हमने डिवाइड किया उसको दो से डिवाइड किया था अब यहाँ पे दो पॉइंट्स नहीं है हमारे पास पूरा सरकम है तो हम डिवाइड करेंगे इसको से तो ये बिल्कुल वही एवरेजिंग नजर आ रही है आपको ये पोटेंशियल है और डी है इसके साथ हमने पूरा पूरी ये जो सर्कल है इसके ऊपर इंटीग्रेट करना है इसको डिवाइड करना है टोटल सर्कल के लेंथ से वो जो कि इसका सरकम है तो अगेन आपको यहाँ पे एवरेजिंग इफेक्ट नजर आ रहा है और जिस तरह ये पहली प्रॉपर्टी ये तभी आपकी सेटिसफाई होगी जब आपके पास ना कोई लोकल मैक्सिमा होगा और ना कोई हमारे पास मिनिमा होगा सारी की सारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो लाइक करेंगी एट द एज ये एच पे हमारे पास जो है एक्सट्रीम वो मैक्सिमा या मिनिमा लाइक करा लेकिन दरमियान में ना कोई लोकल मैक्सिमा ना कोई हमारे पास मिनिमा नो हिल्स और नो वैली अगर वो नो ये होती हिल या है वेली, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिसफाई ना होती है हम इसके अपने अपनेटीज तो यहाँ आपको नजर आ रही इक्वेशन तो ना, ना लोकल मैक्सिमा ना मिनिमा टोलरेट करता है अब बात करें थ्री डायमेंशन में और थ्री डायमेंशन में इस तरह से पिक्चर बनाना वो काफी मुश्किल काम है तो हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे थ्री डायमेंशन में सेम जो दो प्रॉपर्टीज हैं एक हमारे पास जो एवरेजिंग वाली और दूसरी लोकल मैक्सिमा वाली मिनिमा वाली वो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे तो आर 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 आर। तो अगर आपको कहीं पॉइंट पे वैल्यू चाहिए मैं ड्रॉ करके शो करता हूँ आपको आपको लेट से ये स्फेर है और ये स्फेर है तो आपको चाहिए एट पॉइंट आर वैल्यू चाहिए और वो पॉइंट असल में है इसका मिड है तो ये पॉइंट है इसका जहां पे इसका सेंट्रल आयकर है और ये हमारे पास आर तो ये मैंने जैसे बताया ये स्फेर है ये सर्कल नहीं है ये स्फेयर है थ्री डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं तो आपको इसके सारे स्फेयर पे वैल्यू मालूम हो पोटेंशियल की उस सारे स्फेयर के पोटेंशियल की वैल्यू को आप ऐड करोगे और डिवाइड करोगे इस टोटल जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कि इसका एरिया होगा फोर बाय स्क्वेयर तो आपको मिलेगी वैल्यू सेंटर पे ठीक है ये एवरेज हम कर रहे हैं जिस तरह सर्कल की एवरेज थी एग्जैक्टली उसी तरह हमारे पास इसकी एवरेज है तो ये है इसकी क्वेजन जैसे मैंने बताया आपको पोटेंशियल फेर के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल मालूम हो उन सबको आप एडअप करोगे और डिवाइड करोगे टोटल एरिया से फोर पाई आर स्क से और ये होगा उसके सेंटर में पोटेंशियल और ये जैसे कि मैंने बताया ये एवरेज इफेक्ट तभी आपका वैलिड होता है जब आपके पास ना लोकल कोई मैक्सिमा और ना मिनिमा अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता तो ये एवरेजिंग आप नेबरिंग पॉइंट्स से उसके सेंटर में वैल्यू ना बता सकते अप्रूव हम देख लें इसका प्रूफ हमने ये देखा है मेरे पास सिचुएशन ये है कि ये रहा मेरे पास चार्ज क्यू ठीक है जो एक्स वाई प्लेन से जेड डिस्टेंस अब है ये मेरे पास है चार्ज क्यू और एक पड़ा हुआ है हमारे पास है ये स्फेयर है तो इस इसका जो सेंटर है वो है ओरिजिन पे सेंटर ओरिजिन पे तो अब अगर मैं अगर ये ट्रू है अगर ये ट्रू है तो मुझे अ, अगर मैं ये सारे सरफेस के पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है उनको ऐड करूं और फोवी पाई आरस को ऐसे डिवाइड कर दूं तो मुझे इसके सेंटर का पोटेंशियल मिलना चाहिए अगेन प्रॉब्लम ये है कि एक्स वाई प्लेन से जेड डिस्टेंस अबव हमारे पास एक चार्ज पड़ा क्यू इसकी वजह से हमने पोटेंशियल लेना है एट ओरिजन यहाँ पे या फिर इसका कन्वर्स कर लें कि अगर मैं इस फेयर के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल ऐड करूं या इंटीग्रेट करूं ये और डिवाइड करूं फोर पाई आर से तो मुझे इसके सेंटर में पोटेंशियल मिलता है तो हमारे पास ये कंडीशन सही होगी अदरवाइज नहीं हमारा स्टेटमेंट सही नहीं होगी तो ये स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास पोटेंशियल uh, है किसी भी पॉइंट का जैसे मैंने ये डिनोट किया है डी ए एरिया इस पे जो पोटेंशियल है मेरे पास क्यू की वजह से वो ये है नॉट ओवर कैलीग्राफिक आर और जैसे कि आप देख सकते हैं कोसाइन रूल से कि दो वेक्टर्स के दरमियान में आपके पास ये तीन जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो जो मिल रही हैं तो जिस साइड का आपके पास एंगल मालूम है तो उन साइड का एक जेड स्क्वायर एक साइड है जेड और दूसरी साइड आर स्क्वाइर और माइनस टू जेड आर इन दोनों की टू जेड आर कॉज सीटा वो टू होगा जो इसकी एंगल के फ्रंट पे साइड है कैलीग्राफिक आर स्क्वेर के और आप देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एंगल नाइन्टी हो जाता है तो ये बन जाएगा यू और ये हो जाएगी राइट एंगल एंगल नाइन्टी बन गया और ये वाली राइट एंगल बनेगी तो कॉज हमारे पास हो जाएगा जीरो क्योंकि थीटा नाइन्टी हो जाएगा और आपके पास अगेन दोबारा ये पैथागोरस थ्योरम आ जाएगा तो ये था मेरे पास किसी भी एंगल पे अब मैं इसकी डिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ क्यू से ठीक तो अब मैंने वो चूंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए थी इस पॉइंट पे तो आर की वैल्यू है कैलीग्राफिक आर की जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क माइनस टू जेड आर को सीटा माइनस वन वो वो डिवाइड हो रहा था तो माइनस हमारे पास पावर में तो मैंने पूरे पे उसको इंटीग्रेट करना था तो मेरे पास एलिमेंट डी ए है अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये मैंने ये पोटेंशियल कैलीग्राफिक कार की वैल्यू यहाँ से पुट की थी मैंने क्यों ऊपर है और वन और फोर पाई आर बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की तो ये रही ये वी की वैल्यू इसमें और बाकी हमने इसको अब अवेल्यूट करना है तो सेकंड स्टेप मेरे पास है मैंने ये किया है फाइव uh, पे मैंने इसको इंटीग्रेट करता हैं फाइव भी हमारे पास कोई टर्म नहीं है फाइव को इंटीग्रेट करोगे जीरो से टू बाई पे और आपके पास आ जाएगा टू बाय और एक और मैंने काम किया यहाँ पे वो ये कि आर स्क्वायर जो कांस्टेंट था मैंने उसको बाहर निकाल लिया आर स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाला एक्सटेंड कर लिया और आर स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल और हमारे पास q वैसे बाहर आ गया था अब मैंने ये करना है कि मैंने इसका डेरिवेटिव बनाना है इस टर्म का जो बेस है इसका इस टर्म का डेरिवेटिव है मेरे पास माइनस के साथ अगर ये टर्म मैं इंक्लूड करूं वो बनेगा टू जेड आर अगर थीटा है टू जेड आर साइन थीटा तो ये टू जेड आर साइन थीटा मैंने बनाना साइन थीटा यहाँ पड़ा हुआ है तो टू जेड मेरे पास टू यहाँ से आ गया और जेड हमारे पास है मैंने मल्टीप्लाई किया और जेड को डिवाइड किया आर भी मुझे चाहिए था तो आर मल्टीप्लाई किया और मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास इस टर्म का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे पावर रूल इंटीग्रेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ तो वो मैंने यही किया लोएस्ट पावर है थीटा लोएस्ट लिमिट है जीरो और अपर लिमिट है हमारे पास पाए इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे माइनस वन ओवर टू में वन ऐड करोगे तो वो बन जाएगा प्लस वन ओवर टू और नीचे आएगा प्लस वन ओवर टू 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 एक कैंसिल हो जाएगा एक लिमिट है जीरो और एक लिमिट है पाए ये दोनों लिमिट्स पुट करो आप और इसको थोड़ा सा मजीद आप देख लो कि ये हमारे पास बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र बन जाता है ए प्लस बी स्क्र बन जाता है और ये बन जाता है ए माइनस बी स्क्वायर 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 रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाए इक्वेशन ये अब ये इक्वेशन है जेड प्लस आर माइनस जेड माइन प्लस आर तो जेड जेड से कैंसल आउट और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू आर टू आर टू से कैंसिल और एग्जैक्टली exactly आपको वही वैल्यू मिली तो अगेन मैं अगर आपको प्रॉब्लम शो करूं वो ये थी कि y एक्सिस सेट डिस्टेंस पे ये रहा मेरे पास एक्स और ये मेरे पास x और ये y तो यहां पे पड़ा हुआ था चार्ज यहाँ था चार्ज और ये अगर डिस्टेंस यही है चार्ज और मैंने पोटेंशियल मालूम करना है ओरिजिन पे तो आपको पता है सिर्फ आपको ये आर पता है तो आप फार्मूला यूज कर सकते के ये फाइंड कर सकते हो तो क्यू ओवर जेड ये ओवर नॉट so तो यही असल में पोटेंशियल का फार्मूला है लेकिन मैंने दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया मैंने ऐसे किया कि अगर आपके पास है और फेयर पे पोटेंशियल आपको पता है तो आप सारे पोटेंशियल्स को ऐड करो इंटीग्रेट करो फेयर पे और डिवाइड कर दो इस पूरे फेयर के एरिया से तो आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली exactly सेंटर में पोटेंशियल तो हमने जो क्लेम किया था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है तो ये था हमारे पास इन थ्री डायमेंशन तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज होल्ड करती है फीचर्स के वही हैं जो हमारे पास फर्स्ट सिंगल डायमेंशन में है और हमारे पास जो टू डायमेंशन में है एक एवरेजिंग इंस्ट्रक्शन और दूसरा हमारे पास है नो लोकल मैक्सिमा और नो लोकल मिनिमा अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता तो हम इस तरह से किसी एक पॉइंट पे उसके नेबरिंग पॉइंट से पोटेंशियल की वैल्यू मालूम ना कर पाते सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट सेंटर ऑफ द स्फीयर सेम फॉर एनी कलेक्शन ऑफ चार्ज आउटसाइड स्फीयर तो ये तो हमने सिर्फ एक चार्ज के लिए शो किया अब कितने भी चार्जेस ले लें और आपको सिर्फ अगर उसके बाहर चार्जेस पड़े हुए हैं और आपको उसके उन पॉइंट्स के उन चार्जेस की वजह से फेयर पे पोटेंशियल मालूम है तो आप ये यूज करके एवरेजिंग आप उसके सेंटर में पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं अब हम मूव करते हैं बात करते हैं यूनिकनेस फिर की तो जैसे मैंने बताया था कि आपके पास स्पेपलेस इक्वेशन है या है और साथ उसके बाउंड्री कंडीशन है तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं पोटेंशियल को इन बाउंड्री कंडीशन में कुछ आ, है कि बाउंड्री कंडीशन आपको कितनी चाहिए आपको आ, दो पॉइंट्स पे जिस तरह हमें वैल्यू मालूम थी वन डेमेज केस में तो हमने यूनिकली मालूम कर लिया पोटेंशियल को तो क्या आपको दो पॉइंट्स पे वैल्यू चाहिए या आपको दो दो फंक्शन की ही वैल्यू चाहिए ए, या फिर आपको एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हो जाए और एक पॉइंट पे डेरिवेटिव के वैल्यू मिल जाए आपको और इसी तरह क्या आपका सिर्फ एक वैल्यू से काम चलेगा तो ऑब्वियसली हमें एक काम वैल्यू से काम नहीं चलेगा वन केस में और क्या आपको एक ही पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दे दी जाए तो क्या काम चल जाएगा नहीं या आपका एक ही पॉइंट पे डेरिवेटिव के वैल्यू दे दी जाए सिर्फ हमारा काम नहीं चलेगा ठीक है तो फर्स्ट केस में देखा था कि दो पॉइंट्स पे आपको वैल्यू चाहिए तो आप उसके जो दो स... स... इनफ है, सफीक कि हमारा उसके बाद यूनिक सोल्यूशन मालूम हो जाएगा तो इस चीज को वो टैकल करता है हमारे सॉर्ट ऑफ प्रूफ है कि आपको इतनी मिनिमम चाहिए तब आप डिटरमिन कर सकोगे पोटेंशियल तो तो सेम है हमारे पास गिवन प्रॉब्लम के लिए हमारे पास यही रहेगी लेकिन बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम चाहिए ज्यादा ना हो ना हमारे पास कम हो एग्जैक्टली exactly हम कह सकें कि हाँ इतनी बाउंड्री कंडीशन है और हम सोल्यूशन यूनिकली फाइंड कर सकते हैं तो ये हमारे पास है थ्योरम की बेसिस और जैसे मैंने बताया कि ये आपके पास इस केस में दो पॉइंट पे वैल्यू मालूम ना होती तो आप डिटरमिन ना कर सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू को और यही अगर आप थ्री डायमेंशन में या अगर आप चले जाएं टू डायमेंशन में तो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि आपको कितनी बाउंड्री कंडीशन चाहिए तो यूसम की बेसिकली स्टेटमेंट ये है प्रूफ दैट अ प्रपोज सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन विल सफिक इज

सोल्यूशन यूनिकली पोटेंशियल मालूम करने के लिए यूनिकली आपको सिर्फ चाहिए उस रीजन की बाउंड्रीज पे वैल्यू पोटेंशियल की तो लेट से मेरे पास ये है ये रीजन है और इस रीजन में मुझे चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू तो यूनिकनेस फोन ये कहते हैं कि आपको इस बाउंड्री के इस बाउंड्री के आपको इन पॉइंट्स पे इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू मालूम हो तो आप यूनिकली इस रीजन में पोटेंशियल बता सकते हैं तो ये है थ्योरम तो इसका प्रूफ देख लेते हैं और एक और चीज़ हमारे पास के इसके दरमियान में जैसे मैंने रीजन ड्रॉ किया था रीजन के दरमियान में आइलैंड भी हो सकते हैं जैसे ये है ये रीजन है और इसके दरम्यान में इस तरह से रीजन भी और रीजन भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी जो बाउंड्रीज हैं और पोटेंशियल अगर आपने यहाँ फाइंड करना है ये भी जो बाउंड्रीज हैं इन बाउंड्रीज पे भी आपको पोटेंशियल की वैल्यू मालूम हो अगर आईलैंड नहीं है तो ये देख रहे हैं आपके पास ये रीजन था और हम फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल तो बाउंड्री पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू स्पेसिफाइड है तो हम उसके उस रीजन में आसानी से यूनिकली डिटर्मिन कर सकते हैं कि पोटेंशियल क्या है Uniqueness, uniqueness के मुताबिक और दो कर, भी है आपके में यहां पे रीजन्स हैं, लेकिन आपको बाउंड्रीज पे वैल्यू चाहिए होंगी इनकी बाउंड्रीज पे भी तभी भी, आप यूनिकली डिटर्मिन कर सकते हैं कि, uh, uh, की क्या है तो आगे मूव करते हैं इसका प्रूफ देखते हैं तो हम पहले से ये, ये कह रहे हैं हम सपोज करें कि अगर जो हमारे पास लेट से दो सोल्यूशन है लेप्लस इक्वेशन के एक वी वन है और वी टू है जो दोनों लेप्लस इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं और दोनों से आ, आ, जो बाउंड्री कंडीशन गिवन प्रॉब्लम के लिए सेटिस्फाई करते हैं और अगर हमारे पास एट द एंड ये दोनों सेम ना आए तो इसका मतलब है गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन के लिए हमारे पास इवन दो पोटेंशियल लेप्लस इक्वेशन भी सेटिस्फाई करते हैं तो वो यूनिक नहीं है और अगर ये आप इसे दोबारा गौर से सुने कि मैंने पहले से सपोज कर लिया कि ये लेट से यूनिक सोल्यूशन नहीं है हमारे पास ठीक है और सेट ऑफ कंडीशन के लिए जो एस पे स्पेसिफाइड है और लेपलस इक्वेशन को इनको भी दो सोल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं ठीक है जो दो सोल्यूशन है लेट से दोनों सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सेम और दोनों हमारे पास लेप्रा सर्टिफाई करते हैं और एड एंड प्रो में अगर ये दोनों सेम निकल आए तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन यूनिक है और अगर ये सेम ना आए तो इसका मतलब है हमारे पास गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन के लिए और लेप्ट स्विंग को सॉल्व करने के बाद भी हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फर्स्ट यूनिकनेसुरम वेरीफाई नहीं होगा तो फर्स्ट यूनिकनेरम का प्रूव हम कर रहे हैं ये मान के कि हमारे पास लेट से और दो सोल्यूशन है प्रॉब्लम के लिए तो अगर ये एट दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम वैलिड है अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा तो ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हम प्रूव प्रूव कर करना चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं और ट्रिक हमारे पास ये है कि इनके हम डिस्कस करें इसके फोकस करें इनके डिफरेंस पे ठीक है और जिन जिन जी तो अगर ये दोनों सेम है तो हमारे पास इनका डिफरेंस जो है वो जीरो आएगा और अगर ये आ, इनका डिफरेंस नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये सेम नहीं है तो ये भी हमारे पास जो इनका डिफरेंस है वो भी आ, जो है इक्वेशन को इनको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जैसे अगर आप इसका डेल ले लें तो ये डेल स्क्वायर, जो स्क्वायर ले लें जो लेप्ला, लेप्लासियन है तो वी थ्री ये भी डेल स्क्वायर वी टू और डेल स्क्वायर वी वन आ जाएगा आपके पास और आपको पता है कि ये जो individually को सेटिस्फाई करता है ये और ये भी 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 आपके पास individually को satisfy करता है ये 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 तो तो इनका हमारे पास को satisfy करता है और ये हमारे पास बाउंड्री uh, कंडीशन भी है कि तो हमें एक और बात पता है कि ये ठीक है लेप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अब हम मूव करेंगे बाउंड्री की तरफ ओके दो चीजें हैं कि एक लेप्लस इक्वेशन का सोल्यूशन लैप्ल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना और दूसरा हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन तो हमने ये देख लिया इसमें वादे की जो इनका डिफरेंस है वो लेप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो भी इक्वल टू जीरो है अब मूव करेंगे बाउंड्री पे ओके okay? बाउंड्री पे भी तो ये जीरो होगा उसकी वजह ये है कि बाउंड्री पे जो दोनों सेम वैल्यू बाउंड्री कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो वी वन की जो वैल्यू है बाउंड्री पे वही ही वी टू की वैल्यू है

कोई लोकल मैक्सिमा नहीं है ना लोकल मिनिमा तो इसका मतलब यह है कि वी थ्री हमारा बाउंड्रीज uh, पे जीरो है और जब ना कोई लोकल मैक्सिमा हो ना कोई लोकल मिनिमा हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूम वैल्यू पोटेंशियल की दोनों जीरो हैं मिनिमम भी जीरो है और आपके पास मैक्सिमम जीरो है इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे जीरो होना चाहिए ना कोई लोकल मैक्सिमा ना मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम दोनों आपके V3 की जीरो है तो V3 हर पॉइंट पे जीरो होना चाहिए तो V3 हर पॉइंट पे जीरो है इसका मतलब है दोनों पोटेंशियल हमारे पास सेम है तो अगेन फर्स्ट यूनिकनेस वेरीफाई हुआ कि अगर आपके पास दो सोल्यूशन है कोई एक पर्सन आता है पर्सन ए वो आपको कहता है कि भाई ये, ये मेरा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए और ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और ये जो बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और कोई पर्सन बी आता है वो कहता है कि मेरे पास आ, इसी सेम प्रॉब्लम के लिए ये लेप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन है और ये बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे दोनों सेम होंगे तो ये आपको मोटिवेट करता है कि आप किसी तरीके से भी सोल्यूशन फाइंड करें गैस करें या जैसे मर्जी फाइंड करें अगर आपका सोल्यूशन लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उस रीजन में और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो बिल्कुल सही होगा सोल्यूशन वो यूनिक होगा और वो सही होगा तो ये आपको इस तो यहाँ से पावर पावर नजर आती है यूनिकनेस थ्योरम की तो इट डज नॉट मैटर हाउ यू केम बाय योर सॉल्यूशन इफ इट सेटिस्फाई लेप्लस इक्वेशन एंड इट हैज तो द तो करेक्ट वैल्यू ऑफ बाउंड्रीज देन इट इज राइट तो ये चीजें चाहिए कि नहीं आप सिर्फ गैस कर लें किसी तरह तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं इतने ऑप्शन हैं कि आप गैस कर लें एक रीजन में सॉल्यूशन और वो हो आप क्लेम करें कि लेप ये इसका सोल्यूशन है तो पहले आप उसके ऊपर चेक कर लें कि वो लैपलासिक को सेटिस्फाई करता नहीं करता वो करता है ठीक है और क्या उसकी जो बाउंड्रीज पे वैल्यू वो करेक्ट है जो प्रॉब्लम में गिवन है अगर वो भी सही है तो फिर ये आपके पास ना ही वन सोल्यूशन होगा बल्कि यूनिक सोल्यूशन होगा सिंगल सोल्यूशन होगा तो ये आपको यहाँ से दोबारा पावरफुल आपको यूनिकनेस थ्योरम नजर आ रहा है अभी हमने को एज्यूम किया था यहाँ पे कोई चार्ट नहीं है तो वो आप पुट करके देख लें कि आप, आपका पास जिस रीजन में इंटरेस्टेड है लेट से ये रीजन है यहाँ पे चार्जेस भी हैं चार्जेस भी हैं तो ये रो नॉन ज़ीरो होंगे तो अगेन वही हम सपोज कर रहे हैं कि लेट से यहाँ पे दो सोल्यूशन है इसके दो पोटेंशियल है यानी कि यूनिक नहीं है तो ऐट देंड प्रूफ किया अगर दोनों तो सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन यूनिक होगा क्यों प्रॉब्लम के अगर सेम नहीं आते तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा तो गेम सेट गे, प्रॉब्लम के लिए रीजन के लिए तो मेरे पास दो सोल्यूशन है एक वी वन और वी टू दोनों पॉइसन इक्वेजन सॉल्व क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है तो ये पॉइसन इक्वेजन हो गया हमारे पास फिर दोबारा हम इंटरेस्टेड हैं इनके डिफरेंस में और इनका मैंने लेप्लासिन ले लिया और आपको पता है कि इस केस में दोनों ज़ीरो तो नहीं है ये इसका लेप्लासिन ज़ीरो नहीं है ना वी टू का लेप्लासिन ज़ीरो है लेकिन आप अगर आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वी थ्री हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो इनका डिफरेंस है तो ये हमारे पास है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और सारी आपके पास जो बाउंड्री वैल्यू अब दोनों की सेम होगी क्योंकि ये हमारे पास यूशन बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करते थे दोनों सेम तो ये और ये बाउंड्रीज पे सेम होगा तो बाउंड्रीज पे हमारे पास ये वैल्यू जीरो है और अगेन फिर दोबारा आपके पास ये करा है कराए इक्वेशन को तो उसका मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट सेम है क्योंकि ये इक्वेशन में सोल्यूशन में हमारे पास कोई लोकल मैक्सिमा कोई लोकल मिनिमा नहीं होता तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे v1 वन इज इक्वल टू वी टू होगा यहाँ पे v2 है तो सोल्यूशन हमारे पास यूनिक द पोटेंशियल इन वॉल्यूम V इज ए यूनिकली डिटर्मिंड में इस चीज़ को हम और जर्नलाइज कर रहे हैं द पोटेंशियल इन अ वॉल्यूम वी इज यूनिकार डेंसिटी थ्रू आउट द रीजन एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन ऑल बाउंड्रीज आर स्पेसिफाइड तो चार्ट डेंसिटी अगर आपके पास कीमत है और बाउंड्रीज पे पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो आप यूनिकली डिटरमिन कर सकते हैं मैटर नहीं करता कि आप किस तरह सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं लेकिन अगर आपका सोल्यूशन इन दो चीज़ों को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो ना सिर्फ सही सोल्यूशन होगा बल्कि वो यूनिक सोल्यूशन होगा तो सेकेंड यूनिकम इसमें हम एक और चीज भी ऐड करेंगे वो जो कंडक्टर्स हैं और ये हम इसमें जो हमारा फोकस होगा इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा पहले हमारा यूनिक फर्स्ट यूनिक फिल्म में फोकस रहा है पोटेंशियल पे तो केस ये है कि आपके पास लेबोरेटरी में अमूमन जो पोटेंशियल गिवन होते हैं या आपके पास चार्जेस गिवन होते हैं कंडक्टर्स पे और पोटेंशियल आपको पता होता है कि आपने कोई कंडक्टर ग्राउंड किया हुआ है या उसको ट्वेल्व पोटेंशियल वोल्ट दिया हुआ है या टू फोर्टी वोल्ट दिया हुआ है आपने आपको यहाँ से पता होता है लेकिन आपको जो चीज़ें नहीं पता होती कि आपके पास गिवन कंडक्टर में रो क्या है चार्ज डेंसिटी क्या है तो अब हम फोकस करते हैं एक सेट ऑफ सिचुएशन पे कि लेट्स से हमारे पास सेट ऑफ कंडक्टर्स है ठीक है उनके ऊपर चार्जेस गिवन है और उस रीजन में डेंसिटीज भी गिवन है कंडक्टर के ऊपर नहीं उस रीजन के दरम्यान में हमारे पास ये डेंसिटीज भी स्पेसिफाइड है तो क्या हम इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिकली बता सकते हैं तो अगेन क्वेश्चन है हमारे पास कि ये कंडक्टर रखे हुए हैं ये कंडक्टर ए है ये कंडक्टर बी है ये कंडक्टर सी है कंडक्टर ए पे चार्ज क्यू ए है कंडक्टर बी पे चार्ज बी है कंडक्टर सी पे चार्ज क्यू सी है और दरमियान में इस रीजन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो कंडक्टिंग नहीं है इन पॉइंट पे रो भी स्पेसिफाइड है तो एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अगर आपके पास ये चीज़ें गिवन है तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिकली डिटरमिन कर सकते हैं तो यहाँ क्लेम करता है इन वॉल्यूम एंड ये कहता हाँ भाई आप कर सकते हो अगर आपके पास चार्ज मान है कंडक्टर पे सर्फिस पे और डेंसिटी मालूम है आपके पास तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिकली डिटरमिन कर सकते हैं लेकिन क्या चाहिए आपको द टोटल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर इज गिवन तो चार्ज आपको इंच कंडक्टर की मानो और जो बाहर आउटर रीजन है वो मैटर नहीं करता कि वो कंडक्टिंग है या फिर वो इन्फिनिटी है लेकिन जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है इन वॉल्यूम वी सराउंडेड बाय कंडक्टर्स एंड कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड चार्ज डेंसिटी रो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिकली डिटरमिन इफ द टोटल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर इज गिवन टोटल चार्ज ईच कंडक्टर में गिवन हो और वो स्पेसिफाइड है तो आप बता सकते हैं यूनिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास जो तोज्जा का मरकज़ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने यूनिकनेस चुरम इसी के लिए प्रूव करना है तो पहले हमने क्या सपोज किया था पहले से ही कि ये लेट से हमारे पास दो पोटेंशियल हैं और अगर ये बात ट्रू है कि यूनिक है सोल्यूशन गिवन प्रॉब्लम के लिए तो वो दोनों सेम होंगे और अगर यूनिक नहीं होगा तो वो दोनों सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे भी हम सपोज कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और वो आपके पास रीजन में हमारे पास चार डेंसिटी है और ये वो स्पेस है जहाँ पे ये वो स्पेस है जहां पे कंडक्टर नहीं है ये दरमियान का स्पेस है ये जहाँ पे हमारे पास रो पड़ी है ये कंडक्टिंग नहीं है तो इस रीजन में लेट से दोनों जो हैं वो गाजी लॉ की लॉ सेटिस्फाई करते हैं तो ये गीमर रो के लिए किसी भी पॉइंट पे दरमियान में रीजन में कंडक्टर के रीजन में दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो ये सेटिस्फाई करते हैं गाजी लॉ आप इसको इंटीग्रेट कर लें और ये आपको इंटीग्रल फॉर्म मिल जाएगी गाजी लॉ की और हम अब जो सरफेसेस ले रहे हैं वो है कंडक्टिंग uh, तो अब हम कह रहे हैं कि जो कंडक्टर की बाउंड्रीज पे भी दोनों का रिजल्ट सेम है तो पहले हमने ये हम जिस तरह पहले हम की देखें हमने, फिर हमने दी और क्लेम किया कि तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हाँ वो सेटिस्फाई कर दे दोनों सेम हाँ अब ये है कि बाउंड्री कंडीशन में मूव हो रहे हैं तो पहले मैंने हिट किया बाउंड्री कंडीशन कंडक्टिंग पे तो ये हमने बताया कि हाँ कंडक्टर पे भी कंडक्टिंग जैसे मैं ये ले लूँ आई की वैल्यू वन ए कर लू तो इन कंडक्टर पे भी दोनों करते हैं दोनों की राइट हैंड साइड क्यू आई डिट है वो खा ये है या ये है तो पहले रीजन में दरम्यान में भी सेटिस्फाई सेम है जो इक्वेजन है लॉ की वो सेटिस्फाई करते हैं और कंडक्टिंग पे बाउंड्री कंडीशन पे भी बाउंड्री कंडीशन भी इनकी दोनों सेम है लाइकली जो अब 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 आई हमारे पास थर्ड वो स्टेटमेंट वो ये है आउटर बाउंड्री तो आउटर बाउंड्री अगर मैं एक छोटा सवाल है कि अगर मैं यहाँ पे इसका गॉज़ सरफेस लूँ पूरे इस रीजन का तो मेरे पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड आएगी टोटल चार्ज टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस ओवर एफ सो नॉट और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होनी चाहिए इंटीग्रल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पूरे पे, इस पूरे पूरे सरफेस सरफेस पे पे तो तब आपको टोटल चार्ज मिलेगा तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यहां पे भी आप देख रहे तो पहले इक्वेशन भी जो हमने प्रपोज किए हैं लेट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रीजन में है तो दोनों वो कर रही है। दोनों कंडक्टिंग पे है। दोनों आउटर बाउंड्री पे भी है। अब हम देखेंगे कि इनकी सिमिलैरिटी दोनों सेम है या नहीं है तो हम आए अभी इसके ऊपर इनके डिफरेंस पे टिक वो है दोबारा हम इसके डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं और अगर इनके दोनों का डिफरेंसेस जो है वो जीरो आया तो फिर हम कह सकेंगे कि दोनों सेम है और डिफरेंस सिर्फ जो ज़ीरो बाउंड्रीज पे नहीं बल्कि पूरे रीजन में जीरो होना चाहिए तो बिटवीन द कंडक्टर वैल्यू बोर्ड करके देख लें आप बिटवीन द कंडक्टर हमें ये क्या कहता है कि मैं अगर इसकी डाइवर्जेंस लूँ तो ये बन जाएगा डेल ई टू ई थ्री ई थ्री टू डेल ई वन माइनस डेल डॉट डेल डॉट ई टू और ये दोनों की वैल्यू है इसकी वैल्यू है रोवर एफ नॉट और इसकी वैल्यू भी रोवर एफ नॉट तो दोनों इक्वल आएंगे हमारे पास ज़ीरो के तो वही नहीं ये यहाँ से आई तो बिटवीन द कंडक्टर हाँ ठीक है अब आओ इसके ऊपर ऑन ईच बाउंड्री सरफेस तो ईच बाउंड्री सरफेस आपके पास वो भी हमारे पास अब इसका इंटीग्रेशन ले लो इसी की ही आप इंटीग्रल ले लो तो आपके पास ईच बाउंड्री ये जीरो आएगा ओके दोनों दोनों बाउंड्रीज पे कोई भी बाउंड्री ले लो आउटर बाउंड्री ले लो या आप ले लो इनर बाउंड्री ये देखें ये देखें आउटर बाउंड्री पे ये भी इक्वल टू है क्यू आई और एफ सो नॉट ये भी इक्वल है क्यू आई और एफ सो नॉट सॉरी ये कंडक्टिंग बाउंड्री पे और आउटर बाउंड्री पे ये भी इक्वल टू क्यू टोटल ओवर एफ सो नॉट और ये भी क्यू टोटल ओवर एफ सो नॉट तो दोनों देखेंगे बाउंड्री पे दोनों अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली यहाँ पे वो वैल्यू आएगी तो ये जीरो होगा सो इज कंडक्टर इज एन इक्वल पोटेंशियल ये भी हमें पता है कि जो कंडक्टिंग सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है और एंड हेंस बी थ्री जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल uh, है वो कॉन्स्टेंट होगा और एक और बात ये ज़रूरी नहीं है कि बी वन और बी टू अगर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पोटेंशियल भी इक्वल है तो और बेसिक फैक्ट्रिस में ये है कि अगर आपके पास uh, दो uh, दो फंक्शन के डेरिवेटिव इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों फंक्शन सेम है जैसे कि ये है एक्स स्क्र प्लस थ्री और दूसरा फंक्शन आप कर लें एक्स स्क् प्लस नाइन ठीक अब ये देखें ये फंक्शन तो सेम नहीं है लेकिन इसके डेरिवेटिव दोनों के टू एक्स आएंगे तो आ, और पोटेंशियल हमारे पास इलेक्ट्रीफिट बेसिकली क्या होती है वो नेगेटिव डेरिवेटिव होता है थ्री डायमेंशन में डेरिवेटिव नेगेटिव डेरिवेटिव होता है पोटेंशियल का तो इस वजह से अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पोटेंशियल सेम है वो डिफरेंट हो सकते हैं तो अब हम एक ट्रिक करेंगे वो इन करेंगे प्रोडक्ट रूल जो कि हमने देखा है चैप्टर नंबर वन में और वो है सिंपल एक प्रोडक्ट रू की अगर आप इसकी डाइवर्जेंस लेते हैं एक स्केलर फंक्शन की और साथ हमारे पास वेक्टर फंक्शन है तो उसका फार्मूला बेसिकली ही है इसकी आ जाएगी डाइवर्जेंस और ये हमारे पास आ जाएगा डेल बी थ्री क्योंकि पोटेंशियल स्केलर फंक्शन का हमारे पास डाइवर्जेंस होती है ना कर्ल होता है हाँ होता है हमारा उसके पास तो वी थ्री जैसे मैंने अभी आपको एक शो किया था एक्सप्रेशन तो वही हमने यूज किया है तो वी थ्री डेल वी थ्री इज इकल टू ई थ्री इज टू माइनस वी थ्री तो यहाँ पे डेल बी थ्री है तो यहाँ पे माइनस ई थ्री आ जाएगा तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास ये इस वजह से स्क्वायर आ गया तो अब मूव करते हैं आगे इंटरक्टिंग इंटीग्रेटिंग ओवर द रीजन और वो रीजन है हमारे पास पूरा वॉल्यूम जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया इस पूरी इक्वेजन को ये वाली इक्वन को इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी इसकी राइट हैंड साइड को भी और आप देखेंगे कि मैं इसको बाई डाइवर्जन सूरम इस वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल में इस वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल में तो सरफेस इंटीग्रल मैंने इसको so कन्वर्ट कर लिया और जबकि इसकी राइट हैंड साइड है वो ये तो इस तरफ वॉल्यूम इंटीगल ही रहा मैंने इसको so कन्वर्ट नहीं किया सो so कन्वर्ट कर भी नहीं सकते थे तो जैसे वी थ्री इज कॉन्स्टेंट ओवर बाउंड्री तो ये मैंने इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया वी थ्री को अब आपको पता है कि ई थ्री डॉट डी ए क्या है ये जीरो हमारे पास तो ये देख चुके हैं ई थ्री डॉट डी ए सारी बाउंड्रीज पे ये जीरो है तो ई थ्री डॉट डी एक्ल टू ज़ीरो तो हमारे पास एंड एक्सप्रेशन ये बना कि ई थ्री स्क्र इंटीग्रेशन ओवर द होल वॉल्यूम इक्वल्स टू ज़ीरो ई थ्री जो स्क्वेयर है ये तो टोटल हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसका इंटीग्रल ज़ीरो जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है यहाँ से और ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है आपको हमेशा हर जगह पे तो इंटीग्रल आपको देगा एरिया अंडर द कव तो ये एरिया अंडर द कव है ये कभी भी आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता सिवाय एक कंडीशन के वो देखते हैं हाँ जीरो किस केस में होगा अगर आपके पास फंक्शन इस तरह का है आपके पास फंक्शन है ये ये और ये आपके पास नीचे भी जो वैल्यू है फंक्शन की ऊपर भी वो वैल्यू है तो आप यहाँ पे अगर सेम लिमिट्स से हैं दोनों की माइनस वन से लेट से लेट माइनस प्लस वन तक तो ये दोनों का एक का नेगेटिव होगा एक का पॉजिटिव होगा दोनों कैंसिल कर सकते हैं ये फंक्शन होते हैं ऑड नेगेटिव फंक्शन और ये है हमारे पास इवन इस तरह के फंक्शन तो ये आपके पास इंटीग्रल अगर आपके पास फंक्शन जीरो नहीं है तो आपके पास इंटीग्रल इसका कभी भी जीरो नहीं आएगा हाँ इसका आ सकता है तो ये जो वाला फंक्शन है ये क्रॉस करता है इसको इसका इंटीग्रल कभी भी नहीं हो सकता जीरो हाँ सिर्फ एक कंडीशन है और वो ये कि आपके पास E3 वॉल्यूम में हर पॉइंट पे जीरो E3 वॉल्यूम में हर पॉइंट पे जीरो सिर्फ तभी ये इंटीग्रल इक्वल टू जीरो हो सकता है येजन e सेटिस्फाई हो सकती है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो E3 थ्री मस्ट बी जीरो तो ई थ्री इज इक्वल टू जीरो का मतलब है ई वन इज इक्वल टू ई टू क्योंकि हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी यहीं से ई e थ्री वॉज इक्वल टू ही टू माइनस ही वन तो ये रहा हमारा प्रूफ ये 0 है, तो इसका मतलब है ए टू इज इक्वल टू ई वन है सेकेंड यूनिक्स हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास गेम रिजन में कंडक्टर्स पड़े हुए हैं और वहां पे कंडक्टर के दरम्याल में चार डेंसिटी भी स्पेसिफाइड है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिकली बता सकते हैं अगर आपके पास कंडक्टर के ऊपर चार्जेस आपको बताओ और उस कंडक्टर के दरम्या में जो रीजन है चार्ज डेंसिटी बताओ तो आप यूनिकली बता सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है